सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पीसी को यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं। एंड पहले ही फर्स्ट लुक में आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़बरदस्त पीसी है ये। 1.6 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड है। वैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मतलब 1.6 लाख में ऐसा भी पीसी यहाँ पर बिल्ड हो सकता है। तो अभी डिटेल में बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हमने सभी लगा दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको भी अगर कोई ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो तो आप डेफिनेटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने की जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि 7303986007। इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपने पीसी के लिए यहाँ पर जो है हमसे कोटेशन ले सकते हो एंड अपना जो पीसी बिल्ड है वो करवा सकते हो। बाकी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको कस्टम कॉन्फ़िगरेटर मिल जाता है AMD और इंटेल दोनों का। वहाँ से डायरेक्टली भी आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके अपने पीसी को ऑर्डर कर सकते हो। अब चलिए गाइस, बढ़ते आगे एंड बात करते हैं इस सबसे खूबसूरत दिखने वाले पीसी के बारे में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मॉडेक्स कंप्यूटर स्टोर पे जितने भी पीसी बने हैं, आज तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट लुकिंग पीसी है ये। एंड अब बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यहाँ पर लगाए हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं हमारे कस्टमर के बारे में कि किसने इस पीसी को ऑर्डर करा है। तो इस पीसी को ऑर्डर करा है मिस शोमिता चक्रवर्ती जी ने, एंड इनका एक यूट्यूब चैनल भी है एंड एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, तो उसके ऊपर भी ये लाइव स्ट्रीम करती हैं। एंड हर्लीज स्पेयर करके कुछ ऐसे इनका चैनल का नाम है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। तो उनका ये पीसी बिल्ड, बेसिकली शी इज़ अ स्ट्रीमर, वो स्ट्रीमिंग करती हैं गेम्स की, तो उनका ये पीसी बिल्ड है। अब गाइस चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कि क्या क्या कंपोनेंट्स इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे प्रोसेसर के बारे में। तो इंटेल का कोर i5 12600KF प्रोसेसर का हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यहाँ पर यूज़ करा है। मुझे यार बताने की जरूरत नहीं है, आप सब ऑलरेडी यार काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है आप लोगों ने कि कितना ज़्यादा यार कमाल का प्रोसेसर है ये। 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ में यहाँ पर आ जाता है एंड KF सीरीज के अंदर आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लिया। तो ओवरऑल ये प्रोसेसर की जो प्राइसिंग है, क्योंकि F आ जाता है ना, उसके अंदर IGPU नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है। और भाई साहब 10 कोर की आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, और ज़्यादा महंगा नहीं आता, 25,000 रुपये के आसपास में। सोचो आपको 10 कोर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल रही है, जो कि काफ़ी इनक्रेडिबल बात यहाँ पर हो जाती है। अब गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं कि हम लोगों ने इसको पेयर करा है एक काफ़ी अच्छे मदरबोर्ड के साथ में। यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है MSI की तरफ से उनका प्रो Z690P DDR4 मदरबोर्ड। एक काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है एंड एक i5-12600KF प्रोसेसर के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है एंड इस प्राइस बजट के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इस मदरबोर्ड के साथ में इसको यहाँ पर पेयर करा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये कस्टमर डिमांड पे यहाँ पर सभी, ठीक है, मतलब जो हमारे जो कस्टमर है शोमिता जी जो हैं, उन्होंने बताया था कि मेरे को ऐसा ऐसा लुक्स वाइज पीसी, मतलब उनको लुक्स वाइज मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि मेरे को ऐसा पीसी चाहिए लुक्स वाइज। उनका ये कहना था कि मेरे को गोल्डन थीम में यहाँ पर चाहिए, मतलब थोड़ा ब्लैक एंड गोल्डन काइंड ऑफ थीम में। अब जैसे हम लोगों ने जो इसमें कस्टम स्लीव केबल लगाई है वो ब्लैक एंड गोल्डन है, जो RGB वगैरह है वो सारे यहाँ पर गोल्डन सेट है। तो मतलब उनका कहना था कि थोड़ा अगर गोल्डन थीम में इसको कर दोगे तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। और वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बन रही है, तो इसलिए हमारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि ये हमको पीसी डिलीवर करने जाना है। अभी जल्दी से वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सभी कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हमारे लिक्विड कूलर के बारे में। अब जो 12600KF है, जैसे कि K सीरीज के अंदर आ जाता है, तो इसके साथ में कोई भी स्टॉक कूलर नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो लिक्विड कूलर इसके साथ में पेयर करा है वो करा है लियानली का गैलाहैड 360SL वाला वेरिएंट। इसमें एक तो ST फैंस के वाला वेरिएंट आता है, ये SL वाला वर्जन है। इसके अंदर जैसे कि देख सकते हो SL120 एडिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो इसमें जितने भी फैंस मिलते हैं वो ये SL सीरीज के मिलते हैं एंड अलग से यहाँ पर नीचे तीन फैन की किट इधर है और बाकी रेडिएटर के साथ में यहाँ पर, मतलब जो हमारा लिक्विड कूलर है उसके साथ में तो फैंस मिलते ही हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये दो किट अलग से इसके अंदर लगाई गई है, इस कैबिनेट के अंदर तीन साइड में एंड तीन नीचे। तो ये SL120 वाली फैंस की किट है ये। तो टोटल इसके अंदर जैसे कि 9 फैंस हैं एंड मतलब मैं भाई सच बता रहा हूँ, मेरे को तो इसका लुक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है।
आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक्स कार्ड अब जैसे जो उनकी नीड्स थी, उनको जैसे स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से जो मेरे को परफेक्ट ग्राफिक्स कार्ड लग रहा था, एंड मतलब उनके बजट के हिसाब से भी, अब उन्होंने पूरा सेटअप लिया है हमसे बेसिकली 1.6 लाख में। तो सिर्फ उनका पीसी है, अभी मैं आपको यहाँ पर जो उनके मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह, माइक वाइक ये सब भी लिया है उन्होंने, तो लगभग 2,07,000-08,000 रुपये के आसपास में उनका बिल बैठा था पूरा। तो इतना ही था उनका, 2 लाख के आसपास का बजट था। तो इस वजह से जो ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर आया है वो है RTX 3060। बाकी और अगर वो स्पेंड कर देते तो डेफिनेटली और बड़ा कार्ड लग सकता था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लुक्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखना था, एंड उन्होंने स्पेशली ये जो फैंस की इमेजेस भेजी थी कि मेरे को यही वाले फैंस चाहिए, तो ये SL सीरीज वाले फैन थे, वो तो मैं देखते ही भाई समझ गया कि ये लियान ली वाले फैन है। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, तो लुक्स में जो है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा यहाँ पर लग गया है, बट फिर भी 3060 काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर 1080p लेवल की यहाँ पर स्ट्रीमिंग करनी हो तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो सकती है, एंड 2K लेवल की अगर गेमिंग करनी हो तो वो भी बड़े आराम से यहाँ पर हो जाएगी। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। रैम तो मैं आपको बता नहीं भूल गया, तो रैम इसके अंदर जो है टोटल हम लोगों ने 16GB यूज़ करी, 8-8GB की टोटल, 2 sticks 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, XPG की D50 की किट है ये। तो एक किट के अंदर हमें 2 RAM sticks मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 RAM kits का यूज़ करा है, 2 RAM sticks का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है, एंड बढ़िया है यार, मतलब अच्छी है। 16GB मेरे हिसाब से एकदम इनफ रहती है, चाहे गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, तो एकदम परफेक्ट रहती है यहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा होती है ना कम रह जाती है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर हमारे स्टोरेज के बारे में, तो 256GB की M.2 NVMe SSD का यहाँ पर यूज़ करा, एंड ये RGB SSD है XPG की S40G, एंड यहाँ पर देख सकते हो मतलब RGB के मतलब नशे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि SSD के अंदर भी यहाँ पर RGB आ गई है, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है, क्योंकि भाई जो एक्स्ट्रा FPS है ना वो RGB ही तो हमें निकाल के देती है, ग्राफिक्स कार्ड थोड़ी निकालता है FPS। बाकी बात करें यहाँ पर हमारी फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज, यहाँ पर एक 1 TB की हार्ड ड्राइव का भी यूज़ करा गया है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर पावर सप्लाई के बारे में, तो एक 650W की पावर सप्लाई है, वो मोर देन इनफ रहेगी इस पूरे PC को पावर अप करने के लिए। तो कूलर मास्टर की 650W बहुत ज़्यादा रिलायबल, काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई इसका जो हम लोगों ने इस PC बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर यूज़ करा है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे PC में जो लुक है वो इतना अच्छा क्यों आ रहा है, वो इसकी कैबिनेट की वजह से आ रहा है। कैबिनेट ही इतनी ज़बरदस्त है, जो कि है फैंटेक्स की मेटालिक गियर नियो क्यूब ब्लैक कैबिनेट। अब इसमें एक व्हाइट वाला वर्जन आता है, एक ब्लैक में आता है, तो ब्लैक वाला का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है लियान ली की O11 डायनेमिक्स है, जो कि मतलब हमें भी लगता है मतलब बिल्कुल 90% तो वही कैबिनेट है, बट ये थोड़ी सस्ती मिल जाती है उससे, मतलब 2,250 रुपये सस्ते में मिल जाती है कैबिनेट, बट हाँ थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा कि लियान ली से हल्की सी कम भी मिलती है, बट कोई बात नहीं, अगर आप पे उतना बजट नहीं है कि मैं लियान ली में और 2-3 हज़ार रुपये खर्च करूँ, थोड़ा सा मतलब लिमिटेड बजट है, तो आप इस कैबिनेट के साथ में यहाँ पर जा सकते हो, काफ़ी अच्छी कैबिनेट है अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर। सो गाइस यही था यार PC बिल्ड 1.6 लाख रुपीस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं पेरिफेरल्स के बारे में, उन्होंने कौन सा मॉनिटर तो भाई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे मॉनिटर्स के बारे में कि कौन कौन से मॉनिटर यहाँ पर लिए। तो बेसिकली डुअल मॉनिटर सेटअप जो उन्होंने वो हमसे लिया है, तो जो सबसे पहला प्राइमरी मॉनिटर है वो तो भाई साहब एकदम ज़बरदस्त, ठीक है, ये है 32 इंच का कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर, जो कि आता है गीगाबाइट की तरफ से उनका G32QC गेमिंग मॉनिटर। अब इस मॉनिटर के बारे में जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ, एक तो जो इसका स्टैंड है वो पूरा वही मतलब जिसमें आप पूरा मतलब अच्छी तरीके से अपने मॉनिटर को एडजस्ट कर सकते हो, आपको अगर इसको रोटेट करना है तो वो सब जो होता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप वो सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर ना जो रेजोल्यूशन है इसका वो है 2K रेजोल्यूशन, यानी कि 1440p रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर है, एंड 165Hz का इसका रिफ्रेश रेट है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, एंड 1500R का कर्वेचर, जैसे कि मैंने आपको कर्व्ड मॉनिटर बताया ना, तो जो इसका कर्वेचर है वो है 1500R, 165Hz, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम, एंड काफ़ी बेहतरीन मॉनिटर है, 1440p रेजोल्यूशन इसका एंड 32 इंच का है ये। बाकी बात करें यहाँ पर हमारे सेकेंडरी मॉनिटर के बारे में, और जैसे कि मैंने बताया कि वो एक स्ट्रीमर है, तो उनको साइड में एक सेकेंडरी मॉनिटर चाहिए था, एंड उनको बहुत ओवर स्पेंड नहीं करना था इसके ऊपर, वो कह रही थी कि मतलब जितना सस्ते में हो जाए वो वाला कर दो, क्योंकि बस चैट ही तो पढ़नी है उसके अंदर, एंड OBS वगैरह वो सब जो चीज़ें होती है वो देखनी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करा है Acer का A-Open 22CH1Q, बेसिक सा मॉनिटर है, 1080p मॉनिटर है, एंड 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पर आ जाता है, एंड 22 inches का इसका स्क्रीन साइज़ है। तो 32 इंच एंड 22 इंच के जो है दो मॉनिटर यहाँ पर लिए गए हैं।
बाकी अभी जो कीबोर्ड माउस है वो मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाऊंगा। तो जो माउस लिया है वो है रेजर का वाइपर मिनी, एंड रेजर की जो वाइपर सीरीज है इसका मैं स्पेशली यार पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फैन हूँ। ये वाला जो ये जो माउस है वाइपर मिनी वाला, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने जो होम गेमिंग सेटअप है उसके अंदर, मुझे यार पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी यहाँ पर एक माउस पैड लिया गया है जो कि फुल साइज़ वाला गेमिंग माउस पैड है, एंड ये आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका MP400R, ठीक है, फुल साइज़ एक्सटेंडेड वाला जो आता है जिसके अंदर आपका कीबोर्ड माउस दोनों आ जाता है, तो वो वाला यहाँ पर लिया गया है। बाकी एक माइक भी है जो कि आता है रेजर की तरफ से उनका सिरेन मिनी, एंड काफ़ी प्रीमियम गेमिंग माइक्रोफोन है, तो इसका यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ना स्ट्रीमर है तो मतलब माइक भी लगता है उसके अंदर। बाकी जो कीबोर्ड है वो आ जाता है कॉजिंग बाइट की तरफ से उनका CBGK16 फायरफ्लाई, एंड ये एक TKL गेमिंग कीबोर्ड है, यानी कि इसके अंदर हमें नमपैड देखने को नहीं मिलता जो कि गेमिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट रहता है। आपको मतलब एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है अपने माउस पैड के अंदर अपने माउस को मूव करने के लिए। तो यही थे यार कीबोर्ड माउस मॉनिटर सारे जो कि इस PC के साथ में यहाँ पर लिए गए हैं। सो गाइस यही था यार 1.6 लाख रुपीस का PC बिल्ड, एंड आपको कैसे लगा यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी 1.6 लाख में सिर्फ PC है मैं फिर से बता देता हूँ, एंड बाकी जो मॉनिटर वगैरह ये सब चीज़ें बताइए ये सब अगर आप ऐड कर लेते हो तो 2.1 लाख रुपीस 2,07,000 रुपये या 2,08,000 रुपये के आसपास में उनका पूरा जो बिल अमाउंट था वो बैठा था। एंड भाई लुक्स वाइज तो क्या ही लग रहा है ये PC, बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। अपने जो थॉट्स है यार वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपको भी कोई ऐसी कमाल का PC बिल्ड ऑर्डर करना हो तो जो कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट प्रिंट कमेंट में मिल जाएगी, जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपना जो PC है उसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट से भी जाकर के आप लोग ऑर्डर प्लेस वहाँ से कर सकते हो। अब तो कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी यार जाकर के चेकआउट कर लेना। बाकी यार गाइस मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के PC बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।